नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। जनपद मुरादाबाद के रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में बुधवार को एसपी ग्रामीण विद्यासागर मिश्र ने फर्जी एटीएम के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण विद्यासागर मिश्र ने बताया कि बुधवार को थाना बिलारी के एसएसआई ब्रजेंद्र सिंह व उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर बिलारी स्थित एसबीआई एटीएम के पास से लगभग 11 बजे बिहार का रहने वाला निकेश कुमार और हरियाणा का रहने वाला राकेश कुमार को गिरफ्तार किया, क्योंकि पुलिस को सूचना मिली थी कि यह ऐसे दो अपराधी हैं जो कि कई राज्यों में लोगों से एटीएम बदलकर उनके पैसे उनके खातों से उड़ा लेते हैं। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी राकेश और निकेश ने बताया कि यह दोनों फर्जी आधार कार्ड के साथ बैंकों के अलग अलग एटीएम साथ में रखते थे और एटीएम के पास खड़े होकर ऐसे ग्राहकों का इंतजार करते थे जिन्हें एटीएम से पैसे निकालने की जानकारी कम हो, क्योंकि ग्राहक के सहायता लिए जाने पर यह उनके एटीएम का पिन नंबर नोट कर लेते थे और साथ ही बड़ी ही चालाकी से फर्जी एटीएम उनको वापस कर देते थे और दूसरे एटीएम से जाकर पैसे निकाल लेते थे। यह दोनों अपराधी मुरादाबाद में ही नहीं बल्कि जनपद बस्ती, गुड़गांव, गाजियाबाद तथा पंजाब और बिहार जैसे राज्यों में भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। आपको यह भी बता दें कि थाना बिलारी पुलिस ने इनके पास से 20 फर्जी एटीएम, 7 फर्जी आधार कार्ड, लगभग 70,000 रुपए कैश और एक स्विफ्ट कार बरामद की है। जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण विद्यासागर मिश्र ने बताया, ये थाना अध्यक्ष बिलारी द्वारा दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें एटीएम बदल करके पैसे निकालने का मामला प्रकाश में आया था। पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान दो लोग पकड़े गए हैं, एक ये निकेश है, दूसरा राकेश। निकेश बिहार का रहने वाला है, राकेश हरियाणा का रहने वाला है। इनके कब्जे से करीब विभिन्न बैंक के 20 एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं और इनके द्वारा भोले भाले लोगों को झांसा देकर उनके एटीएम कार्ड बदल करके पैसे निकाल लिए जाते हैं और ये बड़े ही शातिर किस्म के अपराधी हैं। अभी इनके विरुद्ध जो भी अभियोग पंजीकृत हैं और जिन लोगों के एटीएम का इनके द्वारा मिसयूज़ किया गया है उस संबंध में हमारे द्वारा जानकारी की जा रही है। कितने लोगों को अपने शिकार बना चुके हैं? ये हमारे पास अभी बरामदगी में करीब 20 एटीएम मिले हैं। हालांकि इनके द्वारा मात्र बताया गया कि हमने 4-5 मामले इस तरह किए हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। इस संबंध में और जाँच की जा रही है। सर, इसका मास्टरमाइंड ये बता रहे, इनका कोई गुरु है जो बिहार से है ही है और उसके द्वारा ही इनको प्रशिक्षण दिया गया है। इस संबंध में हमारे द्वारा जानकारी की जा रही है। सर, ये जो एटीएम कार्ड चोरी बदलते ही थे, क्लोनिंग भी कर देते हैं? नहीं, ये बदलने वाले हैं। इस संबंध में जानकारी की जा रही है, चूंकि ये जितने एटीएम कार्ड हैं जिनके चोरी हुए हैं उनके साथ किस तरह की घटना घटित हुई है हमारे द्वारा रिकॉर्ड इकट्ठा करके जानकारी की जा रही है। नहीं, इसमें दो ही लोग थे अभी तक की पूछताछ से, इसमें दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है और शेष अगर इनके साथी होंगे तो उसकी भी हमारे द्वारा तलाश की जा रही है। थैंक यू। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने यह भी बताया है कि इन अपराधों के पीछे सिर्फ यही दोनों नहीं हैं, बल्कि इन सबके पीछे एक मास्टरमाइंड है जो कि बिहार में रहता है और वहीं से सब कुछ ऑपरेट करता है। फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जहाँ से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।